हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश शर्मा। आज हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम में जो बहुत सारे फाइलम हैं वो किस टाइप का फर्टिलाइजेशन रखते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन रखते हैं, एक्सटर्नल रखते हैं, या दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन रखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए हमें ट्रिक याद रखना है, वो है पापा। ठीक है, पापा, पी ए पी ए। तो इसमें जो पी है वो है पॉलीफेरा बताएगा, फिर ए एस्केलमेंथिस को, पी है जो प्लेटियलमेंथिस को, फिर ए जो है वो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो पापा से हम इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन को याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसके लिए ट्रिक याद रखना आप, टेक्नोलॉजी। क्या है टेक्नोलॉजी? आज क्या है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हम टेक्नोलॉजी से याद रखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में टेक्नोलॉजी को हम बोलेंगे टेक। क्या बोलेंगे? टेक, टी ई सी एच। तो एनिमल किंगडम में कोई भी ऐसा फाइलम नहीं है जो टी से चालू होता हो, लेकिन टीनोफोरा को हम क्या बोलते हैं, सी साइलेंट होता तो टीनोफोरा बोलते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, टी से डिनोट कर देंगे टीनोफोरा को। टी से क्या कर देंगे? टीनोफोरा। ई से इकानोडर्मेटा, सी जो है सिलेंड्रेटा, एच जो है सो, उससे क्या हो जाएगा? हेमिकोडेटा। तो ये टेक से याद हो गया। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे फाइलम हैं जिनमें दोनों ही टाइप के क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। वो है एनिलिडा और मोलस्का। एनिलिडा एंड मोलस्का हैव बोथ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो आपको ये अलग से याद रखना है। ठीक है, अब इनको याद कैसे करना है? तीनों याद रखना है? नहीं, आपको नहीं याद रखना तो कैसे याद रखना है? देखो, एक्सटर्नल को भूल जाओ, आपको क्या याद रखना है? इंटरनल, बस इंटरनल याद रखो पापा, और एक्सटर्नल का याद रखो कि एक्सटर्नल में दोनों है, मोलस्का और एनिलिडा। या फिर इंटरनल को भूल जाओ, बस एक्सटर्नल याद रखो, टेक, टेक याद रख लिया, और बोल याद रख लो साथ में कि यार एनिलिडा मोलस्का जो है इनमें क्या होता है, दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आप तीनों को आपके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए कि किस टाइप से हमें याद रखना है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर एक स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, इस स्टेटमेंट को याद रख लीजिए, ये सबसे मुझे बेस्ट लगता है। ठीक है, बस आपको एक याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो आएगा वो आएगा इंटरनल, फिर आएगा बोथ, और फिर आएगा एक्सटर्नल। जैसे मैंने यहाँ बता रखा है ना, वैसे आपको इस सीरीज में ही याद रखना है। कैसे? तो एक स्टेटमेंट याद रखिए, पापा बैन माय टेक्नोलॉजी। क्या हुआ, समझे नहीं? देखो, एक बच्चा है तो वो क्या है, दिन भर यूट्यूब चलाता है। अब उसके पापा ने क्या है, क्या किया, उसको लॉक कर दिया, मीन्स उसको बोल दिया कि आज के बाद तो यूट्यूब नहीं चलाएगा। ठीक है, तो एक टाइप की टेक्नोलॉजी है वो यूट्यूब। ठीक है, तो बेटा उसके दोस्त को बोल रहा है, जो बेटा है उसके दोस्त को क्या बोल रहा है, पापा बैन माय टेक्नोलॉजी, पापा ने मेरी जो टेक्नोलॉजी जो मैं यूट्यूब वगैरह चला रहा हूँ वो बंद कर दिया है। ठीक है, तो पापा बैन माय टेक्नोलॉजी। अब क्या हुआ, पापा से हो गया क्या, इंटरनल। पापा से क्या हो गया, इंटरनल। ठीक है, बैन जो है, बी जो है यहाँ पर बोथ, क्या हो जाएगा, बी जो है वो बोथ। ठीक है, एन जो है वो एनिलिडा, एनी लीडा, एम वाई जो है मोलस्का, और ये जो टेक है ये हो जाएगा एक्सटर्नल। आ रहे समझ? तो आपको क्या याद रखना है इसमें, इस स्टेटमेंट के लिए क्या याद रखना है, सीरीज याद रखना है, ये गड़बड़ मत कर देना, आगे पीछे नहीं करना है। सबसे पहले याद होना चाहिए इंटरनल बोथ एक्सटर्नल, इंटरनल बोथ एक्सटर्नल। ठीक है, जैसे मैंने लिखा भी इस तरह से है, इंटरनल बोथ एक्सटर्नल। तो आपको क्या याद रखना है, पापा बैन माय टेक, पापा बैन माय टेक्नोलॉजी, पापा बैन माय टेक। तो इस तरह से आप याद रखोगे तो आपको बेटर याद होगा। ठीक है, तो तीनों ही याद हो जाएंगे। अगर तीनों नहीं करना है तो आपको सेपरेट एक्सटर्नल का अलग से याद रख लीजिए, ये नहीं करना है तो सेपरेट पापा इंटरनल याद कर लीजिए, और इनको आप अलग से याद कर लीजिए। जो ट्रिक में इंटरेस्टेड है वो नीचे आ जाइए, जिनको अलग अलग करना है वो ये कर लीजिए। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।